अच्छा कर दो। ये तो हमें लूपिंग करनी है, एक ही कन जगह उसको बार बार एक ही जगह राउंड टू राउंड करना है, हमें कोई सीरीज जैसे कैलकुलेट करनी है, कुछ भी रिपीटेटिव वर्क कैलकुलेट करना है तो क्या करें? तो उसके लिए पहला है व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर जैसे एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें ये कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 10। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वापस कुछ एक्शंस करके वापस इस कंडीशन के पास आ जाएगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये रिपीट करता रहेगा, अपने आप को रिपीट करता रहेगा, राउंड द राउंड करता रहेगा। और इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, इसमें ये कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक प्रिंट कर रहा है, जैसे व्हाइल लूप इज ओवर। तो सी प्रोग्राम लिखे हैं, तो सी प्रोग्राम में हम जैसे रीड एन नोट है उसके लिए स्कैन एन नोट किया, स्कैन एफ में लिखा, आई इक्वल टू 1 है उसको इनिशियलाइज पहले ही कर दिया था, और कंडीशन है उसको व्हाइल में डाल दिया, जो बाद में कैलकुलेशन है प्रोसेस है उसको वैसा वैसा लिख दिया, बाद में जो आउटपुट है उसको लिख दिया, और जहाँ कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो रहा है वहाँ से आगे ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपीट करेगा। जो व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट जो है ये बताता है कि जब तक कंडीशन यस है, ये जैसे रेड में जिनको नोट कर दिया है, ये जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जब जो ये फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन असत्य होगी, तो ये बाहर निकल जाएगा, इस लूपिंग से बाहर आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीटेशन उसी के साथ बंद हो जाएगा। अब हम इसी रिपीटेशन में देखते हैं कि एक एल्गोरिथम लिखते हैं और उससे एक एग्जाम्पल पूरा करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, ये क्विज है जिसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस क्लास में टोटल ही 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को उस क्विज में जो मार्क्स मिलते हैं उनका एवरेज क्या है? तो ये कैसे करें, क्योंकि हमें अब रिपीट करना है। तो हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम ये है, ये जैसे सूडो कोड की तरह एल्गोरिथम लिखी है, इसमें स्टेप फर्स्ट स्टेप है टोटल इक्वल टू 0 कर दो। टोटल एक वेरिएबल नेम है, टोटल एक वेरिएबल नेम है, टोटल को 0 कर दो, काउंटर को 1 कर दो, काउंटर भी एक वेरिएबल है। बाद में कंडीशन लगा दो कि जब तक काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10 ना हो तब तक ये रिपीट होता रहे। क्या रिपीट होना है? तो ग्रेड रीड करो, उसको टोटल में ऐड कर लो, और काउंटर को 1 से इंक्रीज कर दो, काउंटर की वैल्यू जैसे पहले 1 ली थी अब 2 कर दो, फिर चेक करो काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है, इसको रिपीट करते रहो। जो काउंटर की वैल्यू 10 हो से ज़्यादा हो जाए, मतलब जैसे 11 हो जाए, तो एक नया वेरिएबल एवरेज लो, और एवरेज की वैल्यू हो जाएगी टोटल डिवाइडेड बाय 10, जो भी टोटल की वैल्यू हो रही थी उसमें 10 का भाग दे दो, और फिर जो एवरेज है उसको प्रिंट कर दो। ये हमने एल्गोरिथम लिखी है। इसका हम फ्लो चार्ट बनाएं, तो स्टार्ट बाद में टोटल और काउंटर, टोटल 0 एंड काउंटर 1 है तो टोटल इक्वल टू 0, काउंटर इक्वल टू 1 कर दिया। बाद में नेक्स्ट ये लूपिंग थी, तो लूपिंग में कंडीशन डाल दी काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, यदि कंडीशन ट्रू है तो रीड ग्रेड, ग्रेड रीड करनी है, और बाद में टोटल में ग्रेड ऐड कर लेनी है, काउंटर में एक ऐड कर लेना है, और फिर कंडीशन में रिपीटेशन के लिए भेज देना है। इस तरह से ये कंडीशन रिपीट होती रहेगी, यदि फॉल्स है तो एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन 10 कर दो, टोटल को प्रिंट कर दो, और प्रोसेस का एंड कर दो। ये हो गया फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखें, तो ये प्रोग्राम है जो कुछ बड़ा हो गया है, जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये इसका पहला पार्ट है व्हाइल रिपीटेशन, इनको एक एक को देखते हैं। इसमें सारे कमेंट्स लिखे हैं तो कमेंट्स को उठा कर देखते हैं। तो ये कमेंट्स हटाने पर ये थोड़ा साफ दिख रहा है, अपने फ्लो चार्ट से भी अलग दिख रहा है। इसमें कौन सा पार्ट
इसमें थोड़ा और छोटा कर दिया, जैसे ये इंटीजर ग्रेड टोटल इनका डिक्लेरेशन अलग अलग कर रखा था, एक साथ कर दिया तो ये और छोटा हो गया ये इसका। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं, यहाँ पर टोटल इक्वल टू जीरो, काउंटर इक्वल टू वन, ये फ्लो चार्ट का ये पार्ट यहाँ पर लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग के रूप में। ये जो डिसीजन वाला है ये यहाँ पर लिखा गया है, यस ट्रू है वो यहाँ पर डिनोट किया गया है, इसके रीड वाला यहाँ पर डिनोट कर दिया, बाद में कैलकुलेशन से इस यहाँ पर कर दी, ये जो यहाँ पर दी हुई है फॉल्स वाला पार्ट है वो यहाँ पर कर दिया, फॉल्स के बाद में जो है कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कर दी, और फॉल्स के बाद में जो प्रिंट वाला आउटपुट वाला पार्ट है वो यहाँ पर हो गया। इस तरह से जो प्रोग्राम दिख रहा है उसको हम कलर्स में, यहाँ पर फ्लो चार्ट और जो बॉक्सेज हैं वो सेम कलर से दिखा दिए हैं कि कौन सा बॉक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, सेम कलर बॉक्स प्रोग्राम के और सेम उसी कलर का बॉक्स और टेक्स्ट जो इसमें है फ्लो चार्ट में वो सेम को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिपीटेशन ब्लू लाइन से फ्लो चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू लाइन से रिपीटेशन को भी दिखा दिया है, और अब हम फ्लो चार्ट को उठा चुके हैं, प्रोग्राम को रख चुके हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, तो ये प्रिंट इनपुट में मांगता है कि ग्रेड इनपुट करो, जैसे ग्रेड की वैल्यू 79 दे दी, ये नेक्स्ट ग्रेड मांगता है 99 दे दी, फिर ये जो वैल्यूज हैं वो यूजर इनपुट हैं, जो 10 ग्रेड मिल जाती हैं तो ये प्रोग्राम का एंड हो जाता है और क्लास एवरेज ये प्रिंट कर देता है। बाद में है कि ये काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन जो है, इसमें हमने एक काउंटर नाम का जो वेरिएबल डिफाइन किया है उस पे उसको उतनी बार रिपीट करवा रहा है जितना हमने यहाँ नंबर दे दिया है। मतलब हमने, हमें ये नंबर पहले से दे दिया हमने, उसके आधार पे हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि ये कितनी बार रिपीट होगा। और यहाँ पर जो फिक्स नंबर पहले से दे दिया इसको बोलते हैं डेफिनेट रिपीटेशन एक्शन, क्योंकि ये फाइनाइट है, ये पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से निर्धारित है ये कितनी बार रिपीट होगा। इसके बाद में हमने लिखा है जैसे टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ग्रेड, तो ये टोटल जो ग्रेड की वैल्यूज आ रही हैं सीरीज के रूप में आ रही हैं, एक करके एक जो रीड करते जा रहे हैं उनको सबको टोटल में ऐड करता जा रहा है, और इसी के लिए अब फर्स्ट टाइम जब यहाँ ये ऐड करेगा तब टोटल की वैल्यू क्या थी, उसके लिए हमने टोटल को बाहर इनिशियलाइज किया है, ये उसकी वैल्यू जीरो दे दी, तो फर्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू जो भी ग्रेड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी। यदि हम ऐसा नहीं देंगे तो ये सम करेगा, लेकिन वो क्या करेगा उससे पहले ये देखते हैं कि टोटल जो है वो पहले वाली वैल्यूज को स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन में और उनमें ही नई वैल्यू ऐड करके उसको रिप्लेस कर देता है नई वैल्यू से। इसी तरह से एक काउंटर लिया है, काउंटर में भी एक एक ऐड करते जा रहे हैं, काउंटर में इनिशियल में कोई वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू पहले वन दे दी। अब है कि यदि हम यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन नहीं करते तो क्या होता, यदि इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं हम तो ये यहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू उठा लेता है, क्योंकि यहाँ पर तो इसको इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो गार्बेज वैल्यू क्या उठाता है, तो ये वेरिएबल जहाँ पर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहे हैं वहाँ पर पहले क्या फ्लैग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू इंटीजर, ये इंटीजर वेरिएबल लें तो कोई भी इंटीजर वैल्यू वहाँ पर बनती है उसको ये ले लेता है, वो जीरो भी हो सकती है, वो कोई भी और वैल्यू हो सकती है।